नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे आप सिंह राशि वाले कौन सा रत्न कब और कैसे धारण करें, इसी की विधि क्या है और सिंह राशि पर रत्न पहनने के लाभ क्या हैं। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा लें, क्योंकि हम बराबर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपको भी जानकारी मिले और इसका फायदा दूसरे लोगों को भी आप दे सकें। तो दोस्तों चलते हैं बताने के लिए कि सिंह राशि पर कौन सा रत्न सबसे उत्तम होता है और किस प्रकार धारण करें। तो दोस्तों सिंह राशि पर सबसे उत्तम रत्न है माणिक। माणिक का रंग गहरा लाल शुभ होता है और आपको इसकी पहचान भी बताते हैं कि कोई भी रत्न कैसा भी कटा फिटा छिद्र या एयर बबल्स उसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन माणिक गहरे लाल बर्ड का होता है वो उत्तम होता है, स्निग्ध होता है, चिकना होता है, यहाँ तक कि पानीदार होता है। फिर भी आप किसी ज्योतिषी की सलाह से ही रत्न खरीदें, क्योंकि माणिक रत्न कीमती भी होता है, ये अनेकों कलर में भी आता है, पर लेकिन लाल बर्ड का सिंह राशियों के लिए बहुत ही उत्तम रत्न माना गया है। अब इसको आपको कैसे पहनना है और कितना भारी पहनना है, तो आप 5 से 7 रत्ती तक आप अंगूठी में इसको धारण कर सकते हैं, पर लेकिन किस विधि के द्वारा और इसके लाभ क्या हैं वो आप जानें। तो दोस्तों आप जानते हैं कि माणिक रत्न हमको सिंह राशि वालों को पहनने से आपको अनेकों कामों में सफलता मिलती है, जबकि सिंह राशि वाले मजबूत हृदय वाले, बड़े बड़े काम करने वाले, मनोबल विशेष रखने वाले, यहाँ तक कि एक राजा जैसा जीवन यापन करने वाले सिंह राशि के लक्षण होते हैं और ऐसे लोग कभी किसी विषय में फेल नहीं होते, मतलब कोई काम की ठान लेते हैं तो वो उसको पूरा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सिंह राशि वाले स्वाभिमानी भी होते हैं, सरल स्वभाव होता है, ऐसा सिंह राशि की पहचान भी होती है। तो दोस्तों अब माणिक रत्न आपको कब धारण करना है, रविवार के दिन जब शुक्ल पक्ष हो, तो किसी भी रविवार के दिन आप रत्न ले आएं और उसको रविवार से एक दिन पहले गंगाजल, शहद और दूध में घोल बना करके एक दिन उसको पड़ा रहने दें। दूसरे दिन आप निकाल लें रविवार के दिन, क्योंकि आपके जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं, सूर्य देव की कृपा से ही आप खुश रह सकते हैं। तो उनके लिए आपको जब आपने रत्न निकाल लिया तो आप सुबह नहा धोकर के पवित्र वस्त्र मा करके इसको धारण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों माणिक रत्न को आप चांदी में धारण नहीं कर सकते, तांबा या सोना में ही धारण कर सकते हैं। तो आपका जब रत्न तैयार हो जाता है, आपने शुद्ध भी कर लिया, अब इसका मंत्र सूर्यदेव का आपको बोलना है, करीब 1 माला 108 बार ओम ग्रहण सूर्याय नमः, इस प्रकार 108 बार जाप करेंगे तो आपका जो रत्न है वो शुद्ध हो जाता है। अब इस रत्न को आप धारण कर सकते हैं रविवार के दिन, जिससे कि आप पर सूर्यदेव की अपार कृपा रहेगी, आपके अनेकों बिगड़े हुए काम बनेंगे, जीवन में आप कितने भी कठिन परिस्थिति आ जाए उससे आप जीत जाएंगे, यहाँ तक कि आपको मनोबल को भी बढ़ाएगा, आपको साहस को भी बढ़ाएगा, जीवन में अनेकों लाभ आपको मिलते हैं जब सूर्यदेव की कृपा होती है। तो माणिक रत्न बहुत मजबूत और कीमती भी होता है, तो इसके अभाव में आप गार्नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्नेट भी पहन सकते हैं, लेकिन माणिक अगर आपको मिल जाता है उत्तम रत्न तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ है। तो दोस्तों आपने जाना कि माणिक रत्न सिंह राशि के लिए कैसे और किस विधि के द्वारा हमें पहनना है, तो सारी जानकारी दोस्तों आप जान चुके होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर लें और शेयर भी करते चलें।